फाइनल टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर चैप्टर नंबर 1 इज द डिटरमिनेशन ऑफ पीरियड ग्रुप्स एंड ब्लॉक फ्रॉम एटॉमिक नंबर। हमारे पास एटॉमिक नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमें दिए हुए होते हैं और हमें इससे मालूम क्या करना होता है एग्जाम में कि हमारे पास क्या ये कौन सा ग्रुप कौन से पीरियड और कौन से ब्लॉक से ये जो एलिमेंट है ये बिलोंग करता है। तो हमारे पास जो एग्जाम्स में बहुत फ्रिक्वेंटली ये प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, सो लेट्स सी कि किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास हमें जेड इज़ द सिंबल ऑफ एटॉमिक नंबर, तो हमारे पास एटॉमिक नंबर दिया हुआ 11AMU। 11AMU है हमारे पास, सो वी हैव टू डिटरमिन कि हमारे पास जो है ये एलिमेंट जो है ये कौन से ग्रुप से सॉरी कौन से ग्रुप पीरियड और ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या होती है, टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब येट अगेन हमें दोबारा से ज़रा फर्स्ट ईयर रिवाइज करनी होगी और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखते कैसे हैं, वी हैव टू बेसिकली नो दैट, ठीक है ना। अच्छा भाई, तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो वो होती है 1s 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। अच्छा भाई बच्चों, हम अगर देखें तो पहली बात है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस पे ख़त्म हो रही है, एस पे, और हमने पढ़ा ब्लॉक कैसे बताएंगे जिस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म हो रही हो, तो वो क्या होता है, ब्लॉक। अच्छा, हमारे पास जो ये थ्री है, ये हमारे पास जो थ्री है वो क्या बता रहा होता है, दिस थ्री टेल अस कि ये हमारे कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, ठीक है। तो कौन से पीरियड से ये बिलोंग करता है, हमें जो हमारा जो जिस पे हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म हो रही है उसका जो हमारे पास जो आखिरी में हमारे पास जो वैल्यू है वो बता रहा होता है कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, ठीक है। अच्छा, ग्रुप कैसे पता चलेगा, इसका वैलेंस शेल हमारे पास क्या है भाई, ये हमारे पास क्या है, वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब क्या है, ये ग्रुप नंबर 1 का है। देखते हैं हमारे पास पीरियड, द शेल नंबर ऑफ द वैलेंस शेल, तो हमारे पास जो वैलेंस शेल है, ठीक है, इसका जो नंबर है, सही है, द शेल नंबर है वो क्या है, 3। आखिरी कौन से इसके इलेक्ट्रॉन आखिरी कौन से शेल में, तीसरे शेल में, तो इसका कौन सा पीरियड होगा, 3, सही है ना, जैसे हमने पीरियड्स में देखा था। ग्रुप ग्रुप किस तरह से बताएंगे, द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, इसका आउटर मोस्ट शेल क्या है, 3, 3s1। अच्छा, 3 के इसके पास सिर्फ s1 है, तो ये हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। तो ऑब्वियसली हमारे पास एक ग्रुप, जो एक ग्रुप होता है वो ग्रुप नंबर क्या इंडिकेट करता है, हमारे पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमारे पास आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो ये कौन सा ग्रुप नंबर 1 है, और इसकी किस पे ख़त्म हो रही है भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस पे, तो ये कौन से ब्लॉक से बिलोंग करेगा, एस ब्लॉक। तो ये तीन चीज़ें हम देखते हैं कि पीरियड ग्रुप और ब्लॉक हम इस तरह से जाते हैं। हम आगे चलते हैं और हम और एग्जाम्पल्स देखते हैं। देन वी हैव एटॉमिक नंबर ऑफ 8, 1s2 2s2 2p4। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, अच्छा इसका जो ग्रुप है, इसका ग्रुप जो है इसका आपको पता है पीरियड कौन सा होगा, क्या पीरियड होगा इसका, हमारे पास किस पे ख़त्म हो, आखिरी शेल कौन, जो शेल है वो क्या है, 2 है, सही है, 2। तो ऑब्वियसली इस ये जो है इसका जो पीरियड होगा वो 2 होगा। अच्छा, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप देखें आखिरी शेल में, आखिरी ऑर्बिटल तो नहीं, हम हमेशा शेल देखते हैं ना, हमारे पास शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, तो आखिरी शेल कौन सा है हमारे पास, इसका ये 2, सेकेंड शेल तक फिल हुआ हुआ, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 और 2, 4 और 2 कितने हो गए, 6। तो हमारे पास इसका पीरियड नंबर सेकंड है, सही है ना, क्योंकि कितने मैक्सिमम शेल हैं इसके पास, 2। ग्रुप कितना हो गया, हम जो इसके इलेक्ट्रॉन जो है उसको प्लस करेंगे आखिरी शेल के, जो आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके, 6, 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास हमारे पास। और ये हमें कैसे पता चला, इसके आखिरी शेल, आखिरी शेल का मतलब क्या है, जो उसके अंदर आखिरी ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम कितने कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका ग्रुप नंबर, तो ये 6a का है और उसका ब्लॉक क्या है, d। एक और एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास 18 है, 18 की सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
इसमें हमारे पास जो है इसका ब्लॉक हमें पता है पी है, क्योंकि पी पे इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन खत्म हो रही है। इसका अगर हम देखें कि हमारे पास जो पीरियड है वो क्या हो गया, तो मैक्सिमम कितने शेल हैं हमारे पास देखे जाए तो शेल नंबर क्या है, थ्री है ना, थ्री शेल नंबर तक ये थ्री तीन शेल इसके फेल हैं, तो कौन से पीरियड में होगा ये, थ्री। सही है। अब इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आखिरी शेल में कितने हैं, आखिरी शेल कौन सा है इसका है थ्री, आखिरी शेल थ्री है, अगर हम देखें 6 प्लस 2 8, तो हमारे पास पीरियड कौन सा है, थर्ड। ग्रुप कौन सा है हमारे पास, हमने ग्रुप कैसे बताया, वैलेंस शेल को प्लस करके हमने बताया, तो हमारे पास क्या 8A, और 8A का दूसरा नाम क्या होता है, जीरो ग्रुप या इनर्ट गैसेस। देन ब्लॉक क्या है, पी। एक और देखते हैं हमारे पास, दिस इज 33, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं हम, तो हमारे पास क्या आ रहा है, पीरियड कौन सा है, फोर्थ, क्योंकि जो इसका आखिरी शेल है दैट इज द फोर्थ शेल है ना, हम एन प्लस एल रूल के हिसाब से तो लिखते इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, लेकिन हमारे पास आखिरी शेल कौन सा, फोर्थ, तो पीरियड कौन सा होगा, फोर्थ। ग्रुप कैसे बताएंगे हम, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को प्लस करेंगे ना, ठीक है, तो हमारे पास ग्रुप आ जाएगा, और ब्लॉक क्या है, पी। अब हमारे पास जो है यहाँ पे नए केसेस आएंगे डी ब्लॉक्स के, इसका हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या है, 23। 23 में व्हाट वी हैव इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, 4s2, 3d3। यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस डी पे खत्म हो रही, तो ऑब्वियसली ब्लॉक क्या होगा, डी। इसका वैलेंस शेल जो है हमारे पास, द वैलेंस शेल इज 4, ठीक है ना, तो हमारे पास इसका पीरियड क्या आने वाला है, फोर्थ पीरियड, ठीक है। ग्रुप हमने यहाँ पे कैसे बताया, ग्रुप हमने कैसे बताया है यहाँ पे, कि वैसी तो इसका बाय रूल जो हम अभी तक पढ़ रहे हैं वो इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ग्रुप नंबर 2 भी होना चाहिए था, बट इन स्पेशल केसेस ऑफ डी ब्लॉक हम जो हमारे पास वैलेंस शेल का जो एस ब्लॉक होता है वो तो हमारे पास है ही है, ठीक है ना, उसके इलेक्ट्रॉन, और जो उससे पहले हमारे पास जो है डी ब्लॉक होता है उसके इलेक्ट्रॉन को हमेशा प्लस करते हैं इन केस ऑफ व्हाट, डी ब्लॉक, हमेशा ये हम कब करते हैं जब हम डी ब्लॉक की बात करेंगे, तो प्लस करके हमारे पास क्या आता है, 5b, और ये हमेशा डी, जब भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डी पे खत्म हो, ये हमारे पास एक क्या कहते हैं, एक टेक्निक होती है, क्योंकि अगर हम सिर्फ आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन लिख के उसके ग्रुप बताएंगे तो हमारे पास सही आंसर नहीं आएगा, सो व्हाट वी हैव टू डू इज हमेशा हमें क्या करना पड़ता है, जो एस ब्लॉक जिस पे ख़त्म हो रहा है वो तो है ही है, लेकिन हमारे पास इसको हमेशा डी ब्लॉक में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें हमेशा हमें प्लस करना होता है। हमारे पास एक और है 26th, 26 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिखते हैं, इससे हम देखें तो हमारे पास पीरियड क्या आता है, फोर्थ, क्योंकि हमारे पास फोर्थ जो है वो द हाईएस्ट शेल दैट इज फिल्ड। ग्रुप हमने वही किया, हमने किस तरह से हमने ग्रुप डिटरमिन किया, कि हमने जो है वो एस ब्लॉक और जो इससे पहले डी ब्लॉक होगा उसके इलेक्ट्रॉन प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा भाई, 8, हमारे पास ब्लॉक के हैं डी। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास आखिरी है दैट इज 49, 49 है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमारे पास क्या है ये, सो दिस इज एक आप लोगों के लिए असाइनमेंट है कि यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ, एंड इसका आंसर जो है हम वो बाद में देखेंगे, और ये आप लोगों के लिए कि आप किस तरह से इसका पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक निकालते हैं, ठीक है, थैंक यू। Thank you for listening.